आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग जो है वो जारी हो गई है, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने पहला स्थान हासिल कर लिया है टेस्ट रैंकिंग में गेंदबाजों की। दिलचस्प बात यह है कि बुमराह ने हमवतन आर अश्विन को दूसरे पायदान पर धकेलते हुए टॉप पोजीशन हासिल की है। बुमराह ने कानपुर में बांग्लादेश पर भारत की 7 विकेट की जीत के दौरान मैच में 6 विकेट लेते हुए सिर्फ दूसरी बार आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल की है। अश्विन ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में कुल 5 विकेट लिए थे और अब वो बुमराह के मुकाबले जो है दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। एक रेटिंग पॉइंट बुमराह का ज्यादा हो गया है, 870 रेटिंग पॉइंट्स के साथ बुमराह नंबर एक पोजीशन पर आ गए हैं। वैसे सीरीज में बुमराह और अश्विन ने बराबर बराबर विकेटें झटकी 11। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के व्हाइट बॉल फॉर्मेट के कैप्टन बाबर आजम ने मंगलवार देर रात पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी के पद से जो है इस्तीफा दे दिया। बाबर आजम ने सोशल मीडिया के अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर इसका ऐलान किया। इस खबर ने पाकिस्तानी फैंस को चौंका दिया। पाकिस्तानी टीम के लिए भी ये बड़ा झटका है, क्योंकि टीम को अगले साल अपने ही देश में चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कुछ दिनों पहले ही कनेक्शन कैंप नाम से एक बैठक बुलाई थी, जिसमें टीम के सारे बड़े खिलाड़ी और तमाम सपोर्ट स्टाफ के लोग शामिल हुए थे, जहां से ये खबरें निकल कर आई थी कि बाबर की कप्तानी से ज्यादातर लोग खुश नहीं हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में नया पेच फंस गया है। पाकिस्तान की वनडे और टी20 टीम के कप्तान बाबर आजम ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया में एक पोस्ट लिखकर कहा कि मैंने पाकिस्तान टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। इस टीम की कप्तानी करना सम्मान की बात है, लेकिन अब वो समय आ गया है जब मुझे इस जिम्मेदारी को छोड़कर अपने बल्लेबाजी पर ध्यान देने की जरूरत है। कप्तानी का अनुभव अच्छा रहा, लेकिन इससे वर्कलोड भी बढ़ता है। इस जिम्मेदारी को छोड़कर मुझे अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करने का ज्यादा समय मिलेगा। आप सभी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया, इसका धन्यवाद। हमने एक टीम के तौर पर जो कुछ हासिल किया उस पर मुझे गर्व है। मैं टीम में खिलाड़ी के तौर पर योगदान देता रहूंगा। भारत दौरे पर आने से पहले ही न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा झटका लगा है। न्यूजीलैंड के कप्तान टिम साउदी ने कप्तानी छोड़ दी है। उन्होंने ये फैसला श्रीलंका में टीम की 2-0 से हुई हार के बाद लिया। श्रीलंका ने पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को एक पारी और बड़े अंतर से हराया था। इसके अलावा दूसरा मैच भी श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को अपने घर में हराया। इसके बाद ही ये फैसला टिम साउदी ने लिया। भारत के दौरे पर अब टॉम लेथम जो है वो कप्तानी करेंगे न्यूजीलैंड की। इस महीने के अंत में भारत के खिलाफ 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड की टीम यहां पर आएगी। टिम साउदी ने जिन 14 मैचों में न्यूजीलैंड की कप्तानी की, उसमें टीम को 6 मैच में जीत, 6 मैच में हार मिली। 2 मैच का नतीजा नहीं निकला। शमी के चोट पर अपडेट देते हुए बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया कि शमी अच्छी लय में तेज गेंदबाजी कर रहे थे एनसीए में, लेकिन एनसीए में गेंदबाजी के अभ्यास के दौरान उनके घुटने में फिर से सूजन आ गई है, जिससे इस तेज गेंदबाज की वापसी में अब 6 से 8 हफ्ते की देरी और हो सकती है। ऐसे में ये बहुत संभव है कि वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तक पूरी तरह 100% फिट ना हो पाए। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के बाद शमी ने एकिलेस टेंडन की सर्जरी कराई थी और इसके बाद से वो एनसीए में रिहाब प्रोग्राम से गुजर रहे हैं। शमी अगर फिट नहीं हो पाते हैं तो टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। कानपुर टेस्ट में जीत के बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जिंदगी में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, आपको अलग अलग लोगों के साथ काम करना होता है। राहुल भाई के साथ शानदार समय बीता, गंभीर के साथ मैं खेला हूं, मैं उनकी सोच से परिचित हूं। अभी बिल्कुल शुरुआत है, लेकिन ये अच्छा अनुभव है। जब 4th दिन हम मैदान में उतरे तो हमारे दिमाग में बस ये था कि बांग्लादेश को कितनी जल्दी से जल्दी आउट किया जा सके। हमें रनों की परवाह नहीं थी, हम इस बारे में सोच रहे थे कि उन्हें कितने ओवर गेंदबाजी करेंगे। गेंदबाजों के लिए पिच से कोई मदद नहीं थी, लेकिन सभी ने पूरी ताकत झोंक दी। बल्लेबाज जोखिम लेने को तैयार थे और हम सभी मैच का नतीजा निकालने के लिए खुद को मौका देना चाहते थे। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए आर अश्विन ने कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल के लिहाज से हमारे लिए ये जीत बहुत बड़ी है। जब हमने बांग्लादेश को लंच के बाद आउट किया तो रोहित ने कहा कि हम जीत के लिए खेलेंगे। वो बल्लेबाजी के लिए गए और पहली ही गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया। उन्होंने मैच का रुख सेट कर दिया। बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी की, सिराज और आकाश ने शानदार गेंदबाजी की। जडेजा के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, इस गेंदबाजी टीम का सदस्य होने पर मुझे गर्व है। आज भारतीय क्रिकेट के एक दिग्गज खिलाड़ी को याद करने का दिन है। 1939 में आज यानी 2 अक्टूबर को बुटी कुंदरन का जन्मदिन है। वो कमाल के ऑलराउंडर खिलाड़ी थे और वो एक जबरदस्त बल्लेबाज थे, विकेट कीपिंग करते थे और ठीक ठाक मीडियम पेस गेंदबाजी भी किया करते थे। बुटी कुंदरन ने टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 और नंबर 11 दोनों पर बल्लेबाजी की और इसके अलावा उन्होंने एक ही टेस्ट मैच में गेंदबाजी और बल्लेबाजी की शुरुआत भी की थी। उन्होंने भारत के लिए 18 टेस्ट मैच खेले। इसमें 1963 से 64 में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 192 रन की पारी भी शामिल है।
बाद में फारूक इंजीनियर के आने के बाद उन्हें उतने मौके नहीं मिले और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बुधी कुंदरन के 12 शतक हैं। 2006 में उनका निधन हो गया। आज यानी 2 अक्टूबर को एक ऐसे क्रिकेटर का जन्मदिन है जिसे महेंद्र सिंह धोनी स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर कहा करते थे। 1986 में प्रवीण कुमार का जन्म मेरठ में हुआ था। परिवार में पहलवानी की परंपरा थी, लेकिन प्रवीण कुमार ने इस परंपरा को बदलकर क्रिकेट में हाथ आजमाया। उत्तर प्रदेश के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद उन्हें भारतीय टीम में भी जगह मिली। धोनी की कप्तानी में जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया में सीबी सीरीज जीती तो उसमें प्रवीण कुमार का बड़ा रोल था। प्रवीण कुमार ने गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की जबरदस्त काबिलियत थी। पीके ने टीम इंडिया के लिए 6 टेस्ट मैच भी खेले। आईपीएल के शुरुआती सीजन में वो आरसीबी की टीम का हिस्सा भी थे। हालांकि बाद के दिनों में प्रवीण कुमार के साथ कई विवाद भी हुए और उन पर मारपीट के अलावा नशे का भी आरोप लगता रहा।